भैया इतने दिन हो चुके हैं हम लोगों ने भैया BTT6 नहीं खेला। आज हम लोग इस गेम को फिर से खेल रहे हैं। ये गेम भैया बहुत शानदार है। और मना हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे भैया, आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं क्योंकि बहुत ओपी होने वाला है। आज हम लोग चलिए भैया करते हैं आज पार्ट करते हैं हार्ड मोड में ऑब्वियसली। अबे ये है मेरा भैया, प्लीज आज हम लोग भैया यूज़ करने वाले हैं सारे टावर्स इस गेम में, बट हम लोग भैया उन टावर्स में से भैया आज नए नए टावर्स को यूज़ करने वाले हैं, और हर एक टावर के लिए हम भैया एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग भैया डार्ट मंकी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, जिसका भैया नया नया पैरागॉन भी आ चुका है। सो हाँ, बहुत मज़े आने वाले हैं। एंड पहले मैंने शुरुआत में 3 डार्ट मंकी लगा चुका हूँ मैं। एक्चुअली भैया इनके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है, और तो पहले डार्ट मंकी लगाते हैं। मुझे लगता है हमको भैया हाँ भैया डार्ट मंकी एक यहाँ पे लगा देते हैं। एक भैया हाँ भैया आई गेस हम एक यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक एकदम एंड में कुछ यहाँ, ठीक है भैया। आई थिंक इससे काम हो जाना चाहिए। हाँ हाँ भैया हम लोग भैया बलून्स को फोड़ रहे हैं। लेट्स सी, आई थिंक हम सही हैं अभी के लिए। ऑब्वियसली भैया वेरी क्विक शॉट्स करते हैं इसको, क्योंकि सांप से कुछ होने वाला है नहीं। हमें इनमें वेरी क्विक शॉट्स से देना पड़ेगा इनको, क्योंकि सांप शॉट के लिए भैया एंगल अच्छा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ भैया सांप शॉट कहाँ काम आने वाला है। डेफिनेटली भैया हम लोग और मंकी से लगाने वाले हैं। एक मंकी हम भैया यहाँ लगाने वाले हैं, आपको देखने को मिलेगा मैं क्यों लगा रहा हूँ। इसकी रेंज अभी उतनी है नहीं, हम लॉन्गर रेंज लेंगे। ओके भैया ये है मेरा प्लान, इसको हम लास्ट पे रखेंगे, और ये होगा हमारा जगरनॉट। तो भैया इन्हेंस डाइसर दे देते हैं पहले इसमें, बट हाँ ये लास्ट में होगा आई गेस। हम लोग इसको मिडिल पार्ट बनाएंगे, और ये होने वाला है हमारा टॉप पार्ट। तो सब शॉर्ट्स और अरे सब शॉर्ट्स। और फिर जब तक मुझे स्पाइक को पुल नहीं मिलता ना, तो भैया तब तक भैया मैं नहीं करने वाला हूँ इनमें से कुछ भी चेंज। एंड आई थिंक अभी हम इन दोनों को सेल कर सकते हैं, पर मैं सेल नहीं करने वाला। और वो ना इनका बेच गए भैया, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं है, बस थोड़ा सा और। ओके अब ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि भैया स्पाइकोपुर जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को अभी के लिए बॉप करने वाला है, बट हमको भैया अभी जगरनॉट के लिए भी सेव अप करना होगा, क्योंकि भैया जगरनॉट के बिना हम लेड्स को नहीं पॉप कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ है, हम लोग भैया यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम कोई भी करे के भैया दूसरे टावर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैमो हमारे पास है बॉटम पार्ट में, डैमेज हमारे पास है मिडिल पार्ट में और बॉटम पार्ट में। हमारे पास भैया लेड के लिए पॉपिंग पावर टॉप पार्ट में है, और आज हम ट्राई करेंगे कि हम पैरागॉन भी ले सके, बट हाँ अगर नहीं ले पाए कभी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो हाँ अभी हम आज हम डार्ट मंकी में थोड़ा सा काम करने वाले हैं। तो जगरनॉट के लिए जब तक हम सेव करते हैं, क्योंकि तुम लाइक बटन दबाओ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगने वाली है। और हमें कोई पावर्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। को क्या हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है अगर हमको जरूरत बाद में पड़ेगी तब हम यूज़ कर लेंगे, अभी के लिए कोई काम का है।
हम इस पर कोई पैसा नहीं स्पेंड करने वाले, थोड़े लाइव्स हम भैया यूज कर लेंगे आई गेस। बट हाँ बस थोड़े से और पैसे भैया और फिर हम लोग सही रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा और गर्भ में सहना होगा। एंड भैया जहाँ मैं हूँ अभी हम लोग एक जगरनॉट को सेल करने वाले हैं, हम लोग भी इसको यहाँ लगाने वाले हैं। ओके अब सही है, ऑब्वियसली लास्ट पे हो गई है, आई थिंक ये एक बेटर अरेंजमेंट है। होपफुली हमको अभी अपग्रेड मिल पाए भैया, क्योंकि अपग्रेड बहुत महंगा पड़ा। हाँ होपफुली अपग्रेड हमें मिल पाए जिससे पहले हम मर ना जाए। राउंड 28 पे आई थिंक रेड्स आते हैं, उससे पहले हमको करना होगा। ओके सर हम लोग भी ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज खा रहे हैं, बट वो ठीक है भैया, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके अब हम इसको अपडेट करना चालू कर सकते हैं। क्योंकि हमको ऑब्वियसली भैया मरना को नहीं है, हम लोग वैसे बनाना फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं ठीक है, वो एक टावर के हिसाब से काउंट नहीं करते हैं उस जगह। बट भैया कोई नहीं, जब तक हमें अल्ट्रा जगरनॉट नहीं मिलता तब तक हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। हमारा क्रॉसबो मास्टर यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे एरिया कवर भी करता है। आई थिंक हमें अभी उसके लिए जाना चाहिए। कैमोस भैया ज़रूरी नहीं है वो कैमोस के लिए ही हो, हम भैया एक कैमोस के लिए भैया एक एंटी डिफेंस सेटअप करके रखेंगे। हाँ जो क्या कि इनका होने वाला है, बट हाँ हम अपने हीरो को यूज़ कर सकते हैं वैसे, अगर मैं बताना भूल गया तो। ओके हमारे हेल्थ बहुत कम है ना भैया, अब हम लोग भैया थोड़ा स्लो करते हैं सबको, थोड़े अपग्रेड्स देते हैं प्रॉब्ली। और भैया इनको हम लोग भैया एडवांस टाइसेट वाले बनाने वाले हैं, और इनको हम लोग टारगेट करवाने वाले हैं इनसे वो भैया। बाकी हमारा क्विंसी भी है भैया डेवलप के लिए, और बाकी सब ओके हम लोग अभी इसको स्पीड अप कर सकते हैं। ये भैया फोकस करके कैमोस पे और ये कैमोस फोकस करता है होपफुली। हाँ थोड़ा सा टाइम और फिर भैया ये भी कैमोस को शूट कर पाएगा। भैया इस मैप में भैया जगरनॉट के लिए बहुत अच्छा स्पॉट नहीं है, बट क्या हम यहाँ पे एक मंकी फिट कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, अगर भैया मैं यहाँ पे एक जगरनॉट लगाऊँ इधर तो क्या वो काम करेगा? लेट्स सी इसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट या लास्ट? आई थिंक इसको हम फर्स्ट करने वाले हैं। भैया मेरे दिमाग में आइडिया है, अगर ये सही काम करता है तो ये जो है ना भैया स्ट्रीट लाइन पे शूट करेगा,
जैसे सारे बलून उस लाइन में मरने वाले हैं या उनका एक रिजल्ट जाने वाला है, जो भी बोलना चाहो। तो आई गेस मैं अभी अभी मैं इसको जगह नोट पर अपग्रेड कर देता हूँ। ऑब्वियस इसको भी कैमरा टारगेट करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। बोम। तो भैया अब हम लोग भैया हाँ ये चलिए फोकस करते हैं थोड़े क्रॉस बोस के ऊपर। ये वाला जो है हमारा पहले हम लोग एक ट्रिपल शॉट लेने वाले हैं। ये हमारा होने वाला है बैकअप, एक बैकअप क्रॉस बो मेरे ख्याल से, जस्ट इन केस कुछ बुरा होता है। ओ न भैया मोआब, हमें उसके बारे में भूल गया था थोड़ा सा, बट आई थिंक हम इसको टाइम कर सकते हैं अच्छे से अगर बस हम मरे ना। ऑब्वियसली क्विंसी अपनी एबिलिटी यूज़ कर। ओके हम बच गए, क्विंसी की एबिलिटी की यूज़ करके हम बच गए। ये वाला कौन लोग भैया एक्चुअली इसको हम ये करते हैं। और हाँ मेरे ख्याल से भैया अभी के लिए हम सही हैं, अब हमें भैया थोड़ा फार्म्स पे फोकस करना चाहिए मेरे ख्याल से। ग्रेटर प्रोडक्शन, इजी कलेक्ट, और भैया मार्केट प्लेस, क्योंकि मार्केट प्लेस हमेशा से ओपी का। थोड़े और पैसे और ज़ेब्रास को भी हम आराम से पॉप कर पा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बूम भैया अब ये मार्केट प्लेस हमारी इतनी हेल्प करने वाला है ना। ओके सर ये कितने बनानास प्रोड्यूस करता है एग्जैक्टली? ओके भैया हम सही है। एक सेकंड के लिए मुझे डर लगा था क्या हम यहाँ पे गुलेज लगा सकते हैं, अगर हाँ तो अच्छी ना तो भी अच्छा। आई गेस मतलब यहाँ लगा पाए तो वैसे हम विलेज भी ले सकते हैं क्योंकि वह काउंट नहीं करते हैं एक नॉर्मल टावर के हिसाब से, बट हाँ आई थिंक मैं अभी भैया मुझे अभी जगह फार्म्स के लिए नहीं जाना अगर हमारे पास पॉपिंग पावर नहीं है इनफ, जो कि मुझे लग रहा है। प्रॉबली भैया थोड़े से और ट्रिपल शॉट्स जो प्योर डैमेज के लिए हैं, ये नहीं ट्रिपल शॉट। होपफुली ये तीन काफ़ी हों भैया, मैं अभी दुआ ही करके रह सकता हूँ। दुआ कर रहा हूँ कि भैया हमारा डिफेंस काम कर जाए, क्योंकि भैया मो आपके लिए भैया मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है। ये कितने का बिकता है? 4,000 और कितने का है? 25,000। ओके 4-5 ओके भैया मे बी। ये कितने का बिकता है वैसे? 5,000 हम लोग भैया क्विंसी की एबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं। ओके हमारे पास 12,000-15,000 ओके भैया ऑलमोस्ट कितने पैसे हैं? ओके मैं रेडी हूँ यूज़ करने के लिए अगर जरूरत पड़ जाएगी तो। अभी कह रहे हम सही हैं,
अभी के लिए सही है हम। ओके हम सही थे। हो भैया डार्क मंकीज भैया उतने पावरफुल नहीं होते हैं, पर ज़्यादा ये कमज़ोर भी नहीं होते हैं। मे बी और दो मंकीज वो अभी के लिए काम कर जाएंगे मेरे ख्याल से। बस और दो, ज़रूरत नहीं है। हाँ तीन साफ़ी है, मे बी एक और। ओके भैया हम लोग चाहें तो इनको भी सेल कर सकते हैं अगर हमें डर लगता है। क्या हम एक फैन क्लब ले, इसकी रेंज कितनी है? चलो इतनी है, इसके बाहर नहीं जा सकता ये तो। हाँ फैन क्लब हमें भैया एक मो आपको मिल जाएगा, मतलब हम लोग भैया उसको मार पाएंगे। बट क्या हम, हाँ क्या हम इतने पैसे मिलेंगे? 15,000 सौ, बस 10,000 चाहिए। क्या हमारे पास 10,000 हैं? पर आई थिंक अब हमें भैया ऑटो स्टार्ट ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि अब थोड़ा डरावना हो रहा है सीन। हम इसको को मार देंगे, सरामिक्स पे वॉक कर सकते हैं। 17,000 ओके। राउंड 56 पे क्या है? रीग्रो रेनबोस एबिलिटी की ज़रूरत है हमें, लगता नहीं है। ओके भैया ऑलमोस्ट 20,000 हम मैं भैया सेल करने के लिए तैयार हूँ अगर हमको ज़रूरत पड़े तो। ओके एंड जी भैया ओ मना हमने कर दिया। हाँ जी भैया ये अकेले ही भैया BFB सब कुछ काम करने वाला है। जी भैया हमारा भैया हाफ टाइम गेम का हो चुका है भैया। मे बी हम गेम जीत भी चुके हैं, बस मैं कोई चांसेस नहीं दे रहा हूँ उससे भैया। मैं अल्ट्रा जगरनॉट लेने वाला हूँ। पहले अल्ट्रा जगरनॉट फिर भैया चांसेस, क्योंकि अभी भी हम हो सकते हैं मे बी हमारे, क्योंकि मुझे पता है ऐसा नहीं होने वाला, बट फिर भी मे बी हम मर जाएं। यस फाइनल बॉस है, मीडियम डिफिकल्टी के लिए मीडियम। ठीक है भैया तो हज़ार आई थिंक हम सही हैं। मुझे एक्चुअली भैया कुछ सेल करने की ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, मैं नॉर्मली बाय कर सकता हूँ इसको अगर मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। पेशेंस जो कि मेरे में नहीं है, बट डन। ओके आपको हम जीत गए, अब हम लिटरल जीत चुके हैं। ये भैया सारे बलून्स का काम करने वाला है हमारे लिए, जो कि और भी बेटर है। और अब हम लोग भैया फैन क्लब पे भी फोकस कर सकते हैं। फैन क्लब भैया मैं अपने एंड टाइम में रखने वाला हूँ। लेट्स सी फैन क्लब हम कहाँ पे रखना चाहेंगे। हाँ यहाँ नहीं, जगह स्पेस नहीं है, कोई ऐसी जगह पे जहाँ हमें बहुत सारे स्पेस मिल पाए। हाँ प्रॉब्ली घर, क्योंकि इसके आसपास हमें बहुत सारा स्पेस मिल सकता है। हाँ भैया मे बी सो फैन क्लब सिर्फ 10 मंकी को कन्वर्ट करता है, सिर्फ 10। अगर ये सिर्फ 10 को कन्वर्ट करता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके 7, 8, 9 और भैया
थिंक हम ये कर सकते हैं। ओके भैया, सुपरमैन की फ्लैंक कर भैया टीम एबिलिटीज, अगर हम उनको कभी भी जरूरत हुई तो, और कौन से भी लेवल 11 हो चुका है, आई थिंक हम ये कर सकते हैं। मुझे नहीं पता भैया, उमना क्या हम कर सकते हैं भैया, पका नहीं, मेरे को लगता है हम कर सकते हैं। 39,000, 49,000, 9,000, 5,000, अगर हमें कभी भी ज़रूरत हुई हम इन सबको सुपर मंकी पर टर्न कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा है। हम लोग इसको ZOMG के लिए यूज़ करने वाले हैं, बाय 48,000 का ही। ओ भैया ₹72,000 क्या भैया, पैरागॉन इस बार हम नहीं ले पाएंगे, बट मे बी नेक्स्ट एपिसोड में, और डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में। मैं भैया थोड़ा XP ग्राइंड करने वाला हूँ, सो हाँ चिंता मत कर, नेक्स्ट एपिसोड में हम डेफिनेटली पैरागॉन लेने वाले हैं। 69 भैया, इस लेवल को जीत गए, कम जिंदगी जीत गए, ईजी भैया। हैकिंग फ्रिक्वेंसी को भी एक्चुअली हम इसको रखने वाले हैं। मोर पॉपिंग पावर, स्मॉल रेंज इंक्रीज, हाँ भाई ये चाहिए मुझे, क्योंकि इसकी रेंज उतनी अच्छी नहीं आ रही है। वो एक्चुअली बहुत मदद करने वाली है अगर हम लोग भैया साइड कर जा पाए। ओ मुन्ना ये फैन के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा भैया, ये एक एबिलिटी है भैया, मे बी आपको लग रहा है ये कुछ नहीं कर रहा, बट ये बहुत कुछ करेगा। आपको मैं एबिलिटी का भैया जज्बा दिखा देता हूँ, ये देखिए, हमें इन दोनों की जरूरत नहीं, बट हाँ कभी आस पास के भैया सारे मंकीज को भैया सुपर मंकी में कन्वर्ट करके, जो कि एक्चुअल में बहुत सही है। इनका भैया क्विक शॉट का बफ देते हैं, नहीं भैया अगर हमारे पास एक ट्रिपल अगर मंकी हो कभी, वो आई डोंट थिंक काम करता है, साफ शॉट से कुछ होगा नहीं, आई गेस हम ले लेते हैं इसको। विग भैया लॉन्ग रेंज, ओ हमने साफ शॉट ले लिया, ओके क्रॉस वो नहीं, ये सही है। अगर हमें भैया वैसे भी कभी भी प्रॉब्लम होती है तो हम एक और ले सकते हैं, हाँ भाई एक और ले सकते हैं हम, ये वाला, ये बनेगा हमारा सेकंड सुपर मंकी फैन क्लब आई गेस। हाँ स्मॉल रेंज इंक्रीज, उतना भी बड़ा रेंज इंक्रीज नहीं था, स्मॉल ही था, बट आप दो सुपर मंकी एबिलिटीज काफ़ी खतरनाक। सो हाँ भैया दो एबिलिटीज, एक आई गेस अभी हम यूज़ कर सकते हैं आपको जज्बा दिखाने के लिए भैया, पर हाँ ये बहुत कॉपी है। और मना हाँ मना कोई हमारे स्टार्टिंग लाइन के पार नहीं जा पाएगा, हाँ भैया ये बहुत ओपी एबिलिटी है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं ZOMG के अगेंस्ट, का बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स सी क्या हम ये कर पाते हैं, ये हम पहले मर जाएंगे, मुझे लगता नहीं हम किसी भी टाइम मरने वाले हैं, तो मे बी हम ये कर सकते हैं, मे बी अनलेस हम अभी 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 के अभी मर जाएँ। हमारे पास 14 लाइव्स हैं,
क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है पर बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ हमारे पास भी है 1 लाख XP, हमें 5 लाख चाहिए भाई। तो ऑलमोस्ट वी उस पे हैं, ऑलमोस्ट हम वेव 70 80 पे हैं सॉरी। तो अगर हम ये कर पाते हैं भैया तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया हमारे पास हमेशा एक एबिलिटी एक्टिव रहती है, और क्योंकि भैया हमारे पास भैया वेरी क्विक शॉट्स है, भैया सुपर मंकी को भैया उसका भी बफ मिलता रहता है जो कि बहुत ओपी है। हमारा भैया क्रॉसबो मास्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है मैं कहूँगा तो, आई मीन ये भी कर रहा है पर क्रॉसबो मास्टर के पास एक्चुअली, और उसका जगह नॉट के पास भी बहुत है। चलो ठीक है भैया, बट स्किल भैया क्रॉसबो मास्टर भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई थिंक हमको एक एबिलिटी दे देनी चाहिए अभी के लिए। तो ओके भैया ऑलमोस्ट राउंड 80 पे हम। ओ नो इस वाले पे हमको एबिलिटी यूज, नहीं एक्चुअली हम सही है। आई थिंक हम सही है अभी के लिए। ओके भैया एक गहरी सांस लेते हैं, जो हमारे पास है भैया उसे यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है हम लोग भैया सब यूज़ कर रहे हैं। ओके क्या हम ये कर सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे पास एक और एबिलिटी है, बट हम जीत गए भैया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, क्योंकि बाय बाय मुना, बाय भैया।